हे व्हाट्सअप 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 गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपर्पज़ वेड। और मेरा नाम है हैरिस चौधरी। सो गाइस, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि मेरे पास एक यूपीएस है, उसके अंदर 12 वोल्ट बैटरी है। उसमें हम उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, शॉर्ट टेस्ट, कटिंग टेस्ट, और उसके जो बैटरी है उसको हम खोल कर दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे फेसबुक पेज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पुराना यूपीएस पड़ा हुआ है जो कि ये लगभग 6 साल पुराना यूपीएस है। और इस यूपीएस की जो बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी, उसको मैं लगभग दो बार से ज़्यादा रिपेयर कर चुका हूँ और ये लास्ट। तो मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो हॉल है यहाँ से कुछ
सामान निकला था वही सामान दूसरे हॉल में भी निकला है। तो आपको आप ये समझ सकते हैं कि मतलब 6 हॉल्स है, मतलब 6 बॉक्स, तो 6 बॉक्स में से ये सभी सामान कॉमन है, मतलब ये सब सामान निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये सिल्वर और कुछ कागज़ जैसे चीज़ और ये ब्लैक कलर का जो भी है ये सब निकला, तो ऐसे ही सभी बॉक्स में है। और आप ये जो वाइट वाइट कागज़ जैसा जो देख रहे होंगे इसे इलेक्ट्रिकल लिंक्स कहते हैं, मतलब इसी में जो इलेक्ट्रिक होता है वो सेव होता है। और जब ये बैटरी ख़राब होता है तो ये जो वाइट वाइट जो है ये पूरा ब्लैक मतलब काला काला हो जाता है, जिसे अभी मैंने यहाँ पर निकाला है। वैसे तो मेरे ग्लव्स भी पूरे ख़राब हो गए हैं, मेरे को अब नया ग्लव्स लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट कर लें। तो दोस्तों इस बैटरी के बारे में जानते हैं कि तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि लीड एसिड बैटरी के अंदर कौन कौन से पार्ट मतलब कि कौन कौन से मटेरियल्स उसके अंदर लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिस्प्ले में कि पॉजिटिव प्लेट, ग्रिड प्लेट, माइक्रो पोरस सेपरेटर और पॉजिटिव प्लेट पैक और बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल्स हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और में सेट कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।